और रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती हुई नजर आ रही है। एम्बुलेंस की कमी के कारण लापरवाही दिखती नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और एम्बुलेंस की कमी सामने आ रही है। बेड में एक एम्बुलेंस से 22 शवों को कब्रिस्तान पहुंचाया गया। बेहद लापरवाही भरा मामला सामने आया है। शवों को ले जाने के लिए अब एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के बेड जिले का ये मामला आया है। बीड जिले की खबर है ये, जहां का ये मामला है। और बीड में एक एम्बुलेंस से 22 शवों को कब्रिस्तान पहुंचाने का काम किया गया, यानी मृतकों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था तक नहीं हो पा रही। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजी दी जा रही है कि वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं स्थिति को सुधारने के लिए, लेकिन लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और उसी बीच ये बीड जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब शवों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। एक एम्बुलेंस में 22 शवों को ले जाया गया कब्रिस्तान। ये मामला सामने आया है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीरता भरा मामला है और कई सवाल खड़े करते हैं सिस्टम पर। यह मामला जिस तरीके से 22 शवों को एक एम्बुलेंस में ले जाने का काम किया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।